हेलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम हियर। हालांकि गुंजन इस बार चुनाव प्रचार में शामिल नहीं है, लेकिन उसमें हर वो गुण है जो एक अच्छा चुनाव प्रचार करने वाले नेता में होने चाहिए। शालिनी मैम, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय मैम, बाय। वाह, किस बात पर इतना मुस्कुरा रही है हमारी बिटिया? दिल्ली के फैशन शो में हमारी एक दोस्त बन गई थी, राधिका। उसने कुछ फोटोज सेंड किए, वही देख रहे हैं। अच्छा, जरा हमें भी तो दिखा। ये देखिए रचना, बेटा कितनी सुंदर लग रही हो तुम। एक मिनट, हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं। हाँ, क्या बात है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रचना, एक काम करते हैं ना, ये कंप्यूटर नीचे लेकर चलते हैं और सबको दिखाते हैं। अरे सुनो सुनो सब लोग, देखो तो, प्रभु, संगीता, डोल और सब आओ, जल्दी आकर देखो। अरे क्या हुआ भाभी, क्या बात है? देखो, रचना के फैशन शो के फोटोज आए हैं, उसकी सहेली ने भेजे। लाओ जरा इधर देना। देखो हम बड़ा बड़ा आया। बड़े 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 चल। ये धूप छाव कल हो न हो, कागज की नाव कल हो न हो, कर ले मनमानी, ना लौटेंगे ये दिन फिर मुड़के। अरे वाह रचना दीदी, आप तो एकदम हीरोइन लग रही हैं। दीदी, हाँ हम देखते हैं। ठीक है। रचना, तुम्हारा कोरियर आया है। रचना, तुम्हारे नाम से कोरियर कौन भेज सकता है? कॉलेज? क्या है? मम्मी, पापा, दिल्ली फैशन शो का इनाम आया है। तो 2 लाख का चेक? क्या बात है रचना, पहले फोटो उसके बाद चेक। भाई साहब, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। वैसे भाई साहब, चेक का तुरंत FD करा देना चाहिए, रचना के आगे के पढ़ाई में काम आ जाएगा, है ना? नहीं प्रभु, ये रचना के पैसे हैं, जैसे उसके मन में आए वैसे इस्तेमाल कर सकती है, उसकी पहली कमाई है। हाँ, लेकिन सबसे पहले इसे भगवान के चरणों में रख दो, सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। पापा। हाँ बेटा, बोलो।
इन पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होगा कि ये इस घर के, इस परिवार के मुश्किलों कम करने के काम आए। रचना? हाँ पापा, ये सब कुछ हमने आपके लिए तो किया था। बस जल्दी से आपकी दुकान वापस मिल जाए। इन पैसों पे हमारा कोई हक नहीं है, आपका है पापा, सिर्फ आपका। हम ये कहना चाहते हैं बेटा कि एक पिता को अपनी औलाद से और क्या चाहिए होता है। तुमने हमें सब कुछ दे दिया बेटा, सब कुछ दे दिया। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। लाओ। पापा। नहीं बेटा, नहीं। अरे हाँ हाँ, जरूर हो जाएगा, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं। अरे हम सब करवा देंगे। देखा आपने, यही होता है असली इनाम। जब बच्चे अपने संस्कारों को बनाए रखे, हमें सम्मान दे, प्यार दे, प्यार पाए, बड़े किस्मत वालों को मिलती है ऐसी संतान जो सपने सुहाने। यही तो संस्कार का असली फल होता है बेटा। जीती रहो। मौसी को भी नहीं बताओगी? और फिर कहती हो मौसी मां जैसी होती है, तो बताओ ना क्या बात है। मामा की बहुत याद आ रही है आज मौसी जी। यहां देखो, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में हम क्या देख रहे हैं? वही मासूमियत, वही कुछ कर दिखाने की आग,
सारी दुनिया को चाहने की कशिश, और पता है ये सब कहां से आया? स्नेहा से। यही स्नेहा है गुंजन, स्नेहा हमारे पास है, हमारे गुंजन के रूप में। स्नेहा तुम्हारे पास है गुंजन, तुम्हारे बहुत पास। कुछ मुझ में और कुछ आप में ना मौसी जी, मम्मा हम दोनों के पास है। हाँ, भगवान जी ने भी मेरे साथ कैसी डील की है ना, एक तरफ मम्मा को मुझसे छीन लिया और दूसरी तरफ मुझे मौसी जी के पास भेज दिया। मम्मा की कमी तो है लेकिन खालीपन नहीं। सपने सुहाने, Isn't that great, मौसी जी? सपने सुहाने लड़क बनके। अरे बस पूछो मत, मंत्री मैडम का बंगला क्या, उनका रुतबा क्या, अरे यहाँ गार्ड वहाँ गार्ड और जहाँ देखो बंदूकधारी। अरे ये लोग सब उनके आगे पीछे, सब सलाम ठोक रहे थे उन्हें। सीमा जी ये सब बातें तो होती रहेगी, जरा गुंजन को बुलाइए ना। वो क्या है ना कि ये मेरे पति के प्रमोशन की अर्जी है, गुंजन को कहकर मंत्री मैडम तक पहुंचा दीजिए ना। सीमा जी ये मेरे बेटे की नौकरी की परमानेंट करवाने की एप्लीकेशन है। अरे हाँ हाँ सब करवा देगी हमारी बहू, आखिर हमारी बहू जो है। गुंजन, अरे गुंजन बेटा देखो तो कौन कौन मिलने आया तुमसे। लो आ गई हमारी बहू। नमस्ते गुंजन। आप लोग यहाँ? भलाई की शुरुआत तो अपने मोहल्ले और आसपास वालों से होती है ना, और फिर तुम इतने ऊंचे पद पर हो तो भलाई का फायदा हमारे मोहल्ले वालों को ही मिलना चाहिए ना, वरना ऐसे पद का क्या फायदा। इसीलिए बेटा हमने इन सब से कह दिया है कि इन्हें जो जो भी काम करवाना हो ना ऐसे लिख कर दे दे, वरना तुम क्या क्या याद रखोगे, है कि नहीं बेटा। ये लो लो, भगवान करे ऐसी बहुरा सबको मिले। ये सब क्या है आंटी जी? अरे बेटा हम जानते हैं कि तुम्हें अभी पद मिला नहीं है, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, और इन लोगों को भी कोई जल्दी नहीं है, इनके काम आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, सबको सफर है। एक मिनट आंटी जी, एक मिनट, आप गलत समझ रही हैं। मैंने शालिनी जी को ज्वाइन नहीं किया है। चलो गीता, चलो चलो चलो। क्या उन्हें उन्हें ज्वाइन नहीं कर रहे तुम? वाह गुंजन वाह बेटा, इसी मौके का इंतजार कर रही थी ना तुम कि मोहल्ले वालों के सामने एक बार फिर से हमारी नाक कटवा दो। खूब नाम रोशन किया है हमारा तुमने। हम क्या समझते नहीं है तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया है? अरे हम पहले क्यों नहीं समझ गए, क्यों बेकार में हमने तुमसे उम्मीद लगाई? बेकार में उन औरतों को आश्वासन दिया और अपनी बेइज्जती करवा ली हमने। ओहो सीमा क्यों बेकार में भड़क रही हो तुम? वैसे भी तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, ये गुंजन का अपना फैसला है, उसका मन ज्वाइन करे ना करे वो तय कर लेगी ना। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, इसका जो मन आए वो करे हमारी बला से। गुंजन
तुम क्यों रो रही हो? हाँ बोलो। बोलो ना कुंजन, क्या हो? जरूर माँ ने कुछ कहा होगा। क्या माँ, आप जानती हैं कि गुंजन के सर पे और कितनी टेंशन से कितने काम है, फिर भी आप समझती नहीं है। नहीं माँ, आंटी जी से कुछ मत कहो, उनकी कोई गलती नहीं है। गुंजन तुम चलो आराम कर, आओ मेरे साथ, कम है चलो। चोरों का गुलाम, जिसे देखो बस गुंजन को ही पुचकारता फिरता है, जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। मौसी जी, मैं आंटी जी को कैसे समझाऊं? वो मेरी हर बात का गलत मतलब निकालती हैं। आप ही बताइए, मैंने जो किया ठीक किया ना? हाँ गुंजन, तुमने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका मन कहे। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो और जल्दी से सो जाओ, कल माता की चौकी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, जल्दी उठना है। गुंजन, तुम इतना इंपॉर्टेंट फैसला लेने कैसे भूल गई? कौन सा? हाउ कुड यू गुंजन, जिस लड़की को पूरे देश की, पूरे बनारस की, पूरे यूथ विंग की सबकी इतनी चिंता है, उसे उसे इस बंदे की जरा भी चिंता नहीं? मयंक, मलिकाए गुंजन और किसी को हो ना, लेकिन मुझे तुम्हारे हर टाइप की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे भी। शैतान, अपना मतलब निकाला तो कोई तुमसे सीखे। वैसे पता है मयंक, आई एम सो रिलीव्ड। पता है उन्हें मना करने के बाद ना चैन की सांस मिली, वरना ये धमकियां, फोन कॉल्स, डराना, परेशान हो गई थी मैं। अरे इंटेलिजेंट वाइफ का यही तो फायदा है। अच्छा एक मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कैसा है? कल की पूजा में पहनने के लिए। आई जस्ट होप इसे देखने के बाद आंटी जी का गुस्सा ठंडा हो जाए। 100% अगर करंट मूड के हिसाब से देखा जाए तो लाल रंग से कुछ भी बेटर नहीं, सास और बहू के रिश्ते को एक्सप्रेस करने के लिए। मयंक मैं तो भूल ही गई, रचना को विश करना था ना। चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो कम। भगवान, हम तो डरे गए थे। ओए होए, मेरी 2 लाख रुपए जीतने वाली सिस्टर, दिस इज ऑसम। अरे आखिर बहन किसकी है, मिलाओ हाथ इसी बात पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा मैं चाहता हूँ कुछ काम। हम लाख बुलाना चाहे गुंजन, लेकिन सच बात तो ये है कि इस 2 लाख के इनाम में फियान का भी योगदान है। हम दोनों की जिंदगी कैसे बदल गई है ना। तुमने विहान को ना बोल दिया, मैंने पॉलिटिक्स को। आई एम श्योर इस फैसले से हम दोनों की जिंदगी में कुछ अच्छा ही होगा। अरे सीमा, हमारे लिए 1 कप चाय ले आओ भाई।
गुंजन का फोटोग्राफ शालिनी पांडे जी के साथ। भारतीय जनोद्धार समाज पार्टी का नया चेहरा गुंजन गर्ग का शालिनी पांडे को संपूर्ण समर्थन। सीमा, वो माता की चौकी के लिए जो चुनरी मंगानी थी उसके लिए फोन किया कि नहीं? क्या बात है प्रभु, कोई खास खबर है क्या? अभी ये देखिए। ये तो गुंजन और शालिनी जी है, लेकिन ये कैसे? गुंजन, ये देखो बेटा।